नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं अजय वर्मा जी, रंजना जी, एजुकेशन जी, श्रीम शर्मा जी, पूजा तिवारी जी, उपदीप कौर जी, सगुफ्ता जी, संजू शर्मा जी, संतोष कुमारी जी, यश जी का, प्रांजल जी, अनु पांडे जी का, दीपाली यादव जी, सरिता कुशवाहा जी, दिलखुश जी, पूजा जी, शिल्पी जी, मोनू त्रिपाठी जी, राकेश जी, अल्पना जी, पुपरी कलाम जी, विपुल जी, लता किशोरी जी, दिनेश चतुर्वेदी जी, कंचिल लता जी, कुमार संदीप जी, रेणु कुमारी जी, प्रांजल जी, रूपा रानी जी, संध्या मिश्रा जी, मोनू त्रिपाठी जी, पूजा तिवारी जी, नंदनी यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। और जो लोग मेरी लाइव क्लास में आए, उन्होंने उत्तर दिया, मेरा सहयोग दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो का जो बाद का हिस्सा था, वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ दिया था, क्योंकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, उससे उतना ज़्यादा नहीं आता है। अब आज हम शुरुआत कर रहे हैं पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल की, जो जिसका समय 1375 से 1700 तक है। ठीक है, प्रकरण ये 5 है, सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा। इससे पहले हमने राण भक्ति शाखा पढ़ा था, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमें तुलसीदास जी को अच्छे से जान लेना था, वो हमने जाना भी। अब बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की, इसमें हम आगे चलेंगे। अभी जो स्टार्टिंग में जो इसका परिचय दिया है, चलिए पहले वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। वल्लभाचार्य जी, जैसा पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो वैष्णव धर्म का आंदोलन चला, उसके जो प्रधान प्रवर्तक थे वो थे वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। ठीक है, ये बात हो रही थी वल्लभाचार्य जी की। रामानुजाचार्य से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भी भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और वृत्तिवाद से पीछा छुड़ाना था। शंकराचार्य ने इतना मायावाद और वृत्तिवाद का प्रचार कर दिया था कि रामानुजाचार्य से लेकर उसके बाद के जितने भी भक्त दार्शनिक के आचार्य हुए, वो सब इसे पीछा छुड़ाने के लिए प्रवृत्त हुए। जिसके अनुसार, यानी शंकराचार्य जी के अनुसार, उनके मायावाद के अनुसार, भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। इनके हिसाब से जो भक्ति थी वो अविद्या थी, है ना। जो भक्त थे वो कहीं ना कहीं भ्रांति में जीते थे। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार की। शंकराचार्य जी सिर्फ निर्गुण ब्रह्म को ही मानते थे। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। जहाँ शंकर यानी शंकराचार्य जी भक्ति को भ्रांति बताते थे, अविद्या बताते थे, वहीं पर वल्लभाचार्य ने क्या कहा? वल्लभाचार्य ने कहा कि जो ब्रह्म है, उन्होंने ये जो सृष्टि है इसकी रचना क्यों की? लीला के लिए की। ठीक है, सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा। ठीक है, अपनी ही कृति कहा। अपने को अंश रूप में जीवों में बिखराना ब्रह्म की लीला मात्र है। उनका यह कहना था कि ब्रह्म अपने ही अंशों को जीव रूप में बिखरा देते हैं और लीला करते हैं। अक्षर ब्रह्म अपने आविर्भाव और तिरोभाव की अचित्य शक्ति से जगत के रूप में परिणित होता है और उसके परे भी रहता है। मतलब ब्रह्म के ही अंश जो जीव हैं, वो ब्रह्म के ही अंश हैं, वो जगत में भी परिणित होते हैं और उससे ब्रह्म परे भी रहता है। वे अपने सत्य चित्त और आनंद तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता है। किस तरह से? जीव में सत्य और चित्त का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत्य का आविर्भाव रहता है, चित्त का, क्योंकि उसमें चेतना नहीं होती है, चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव रहता है और माया कोई वस्तु नहीं। ठीक है, श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है।
श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म हैं जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम के रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। आनंद का जो पूर्ण आविर्भाव है वो कहाँ होता है? इसी पुरुषोत्तम रूप में है, तो सबसे श्रेष्ठ यही माने गए। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं, वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में अनेक प्रकार से प्रेरणाएं करते हैं। ठीक है, गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है। वल्लभाचार्य जी और इनकी परंपरा के जो आचार्य हैं वो मानते हैं कि जो गोलोक है वो इसी व्यापी वैकुंठ का ही एक खंड है, जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का परमार्थिक और असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या मायिक, है ना। वल्लभाचार्य ने बात को उलट कर पूरा उसको पलट दिया और सगुण रूप को ही असली कहा। उन्होंने, शंकराचार्य ने निर्गुण रूप को असली कहा था, वल्लभाचार्य ने बात को बिल्कुल बदल दिया, उल्टा करके सगुण रूप को असली बताया और निर्गुण को अंशतः तिरोहित रूप कहा। ठीक है, जो निर्गुणवाद है वो उसका तिरोहित रूप है। भक्ति की साधना के लिए वल्लभाचार्य ने श्रद्धा का अवयव छोड़कर, ठीक है, श्रद्धा का अवयव छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न रहता है केवल प्रेम लिया। इससे पहले मैं याद दिलाना चाहूंगी, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने एक जगह पे जब हम पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यदि श्रद्धा को छोड़कर केवल भक्ति प्रेम लिया जाता है भक्ति में, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं वो रूप विकृत हो जाता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त थे उन्होंने श्रद्धा को कहीं पीछे रखा और केवल प्रेम का ही रूप लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णवन की वार्ता में सूरदास जी की एक वार्ता के अंतर्गत, प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को अनुसांगिक या सहायक कहा गया, जबकि राम भक्ति में क्या था? राम भक्ति में श्रद्धा आगे थी, प्रेम कहीं ना कहीं पीछे था। सूरदास जी ने प्रेम को मुख्य बताया, श्रद्धा या पूज्य भक्ति को उसका सहायक कहा। ठीक है, चलिए ये वार्ता देख लेते हैं। श्री आचार्य जी, महाप्रभु के मार्ग को कहाँ स्वरूप है? महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह तो पराकाष्ठा है, स्नेह आगे भगवान को राहत नाही, ताते भगवान बेर बेर महात्म जनावत है। इन ब्रज भक्तन को स्नेह परम काष्ठापन्न है, ताही ते तो महात्म्य रहे और पीछे विस्मृत हो जाए। ये सूरदास जी की वार्ता के अंश थे। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। वल्लभाचार्य जी ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का ही त्याग विधेय ठहराया, सही ठहराया। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। ठीक है, प्रेम लक्षणा भक्ति में जीव तभी लग सकता है, जीव उसे तभी प्रवृत्त हो सकता है जब भगवान का अनुग्रह उसे प्राप्त हो, और इसी को पोषण या पुष्टि कहते हैं। ठीक है, इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। पुष्टि मार्ग क्या है? भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि या पोषण है, उसी को लेकर वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। उन्होंने जीव के तीन प्रकार माने हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव और प्रवाह जीव। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह पर भरोसा रखते हैं और उनकी नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। दूसरे मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि के लोक को प्राप्त करते हैं। और तीसरे प्रवाह जी, प्रवाह का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रवाहित रहना मतलब चलते रहना, बहते रहना, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। ठीक है, ये तीन जीवों के प्रकार बताए। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है।
देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह से दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए ही दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों से परे जनता की आस्था हटाने पर जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल को देखकर किया। समय के हिसाब से उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया, क्योंकि दशाएं उस समय की ऐसी चल रही थी। एक तरफ जो निर्गुण पंथी थे वो जनता को वेदों वेद शास्त्र और सारी विधियों से हटाने में लगे थे। जनता ज़्यादातर अशिक्षित थी, वो इनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित भी हो जाती थी। दूसरी तरफ जो सूफी फकीर थे वो अपने प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार खूब जोर शोर से कर रहे थे। ठीक है, तो उस समय देश काल को देखकर वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया। वल्लभाचार्य जी के मुख्य ग्रंथ ये हैं, पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दास ग्रंथ है। कौन सा? उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका या सुबोधनी टीका, ये इनका तीसरा ग्रंथ कहा जाता है। तत्वगीत तत्वदीप निबंध तथा 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ, इन चारों के अलावा इनके 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ भी हैं। इसमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अणुभाष्य आचार्य जी पूरी ना कर सके थे, अतः अंत के डेढ़ अध्याय उनके पुत्र गोसाई विठल दासनाथ ने लिखकर ग्रंथ को पूरा किया था। इस तरह के प्रश्न आपके विभाग में अक्सर पूछ दिए जाते हैं आपके प्रश्न पत्रों में, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूर्व मीमांसा अणुभाष्य गोसाई जी पूरी नहीं कर सके थे, वो उनके पुत्र ने पूरी की थी, किसने? विठल नाथ ने। ठीक है, डेढ़ अध्याय थे वो उनके पुत्र विठल नाथ ने पूरे किए थे। भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती है, सुबोधनी का भी कुछ अंश ही मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रवाह मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसी नाम तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई थी। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरन मलखत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडन बांधा। ये प्रश्न अभी इधर कम आ रहा है, पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, है ना? पूरन मलखत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया गया था, पहले इस तरह का प्रश्न बहुत पूछा जाता था। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग राग या विलास की प्रभूत सामग्री का प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्कियां चलें कहकर होने लगी, मतलब मंदिरों की प्रशंसा के मंदिर बहुत प्रभावशाली है, या मंदिरों की जो प्रशंसा होती थी वो इस तरह से कहने होने लगी कि उस मंदिर में तो केसर की चक्कियां चले हैं। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेवकाओं पर या कहां तक अच्छा पड़ सकता था, जनता पर चाहे जो भाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम गीत धारा बहाई उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस धारा में दूसरे संप्रदायों ने कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। परिस्थितियां भी उस समय इतनी खराब हो गई थी
वास्तव में हिंदू शायद अपने आप में बड़े हीन महसूस करने लगे थे। तो अगर इस तरह की परंपराएं ना चलती तो इनको मानसिक रूप से बल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। इसीलिए वो कृष्ण जिन्होंने भागवत गीता जैसा उपदेश दिया, लेकिन इन लोगों ने कृष्ण की जो ब्रज लीला थी उसी को लेकर ये लोग आगे बढ़े। प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए जो कृष्ण का मधुर रूप था उसी को लेकर ये आगे बढ़े और उसी को पर्याप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप के को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने ना समझी। मतलब उन्होंने श्रद्धा का या पूज्य बुद्धि का अवयव ही छोड़ दिया था, तो उन्होंने कृष्ण को लोक रक्षक रूप में या धर्म के संस्थापक के रूप में स्थापित करने की कोई भी जरूरत नहीं समझी। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उनकी आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में ना हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्ति कवि अधिकतर फुटकर संगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। जब उन्होंने लोक रक्षक और धर्म संस्थापक रूप को ही स्वीकार नहीं किया या अपने भक्ति में शामिल नहीं किया, तो जब खाली मधुर रूप का ही उन्होंने वर्णन किया, ब्रज लीलाओं का ही वर्णन किया, तो प्रबंध काव्यों को लिखने की प्रवृत्ति उनमें नहीं आ सकी और वो फुटकल श्रृंगारी पदों में ही रचना करते रहे। उनकी रचनाओं में ना तो जीवन के गंभीर पक्षों का मार्मिक रूप स्फुरित हुआ और ना अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित ही उन्होंने ना लिया जो खंड काव्य महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने करी। उस समय कृष्ण भक्तों ने सिर्फ जो ब्रज का लीला का रूप था, राधा कृष्ण की लीला का रूप था, वही उन्होंने लिया और उसी को लेकर उन्होंने गीतों की रचना की। इतना विशाल रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को ग्रहण ही नहीं किया, उनके लोक रक्षक या धर्म संस्थापक के रूप को उन्होंने जब ग्रहण नहीं किया तो उनके लिए खंड काव्य या महाकाव्य आदि की रचना थोड़ी सी मुश्किल हो गई। भगवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग का प्रेम माधुर्य भाव का रास्ता खुल गया। इससे प्रचार में दक्षिण के मंदिरों में देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। ठीक है, दक्षिण भारत की देवदासी प्रथा के रूप में के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। और इस जो ये आपका गोपियों के ढंग का प्रेम माधुर्य के भाव का जो रास्ता खुला, इसके प्रचार में जो दक्षिण के मंदिरों में देवदासी प्रथा थी, ये विशेष रूप से सहायक हुई। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे, जहां उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिरों की में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। मतलब जो मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान थे वही उनके पति रूप में थे। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तने भी हो गई। दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई है, जिनका जन्म संवत 773 में हुआ था। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुपावई नामक पुस्तक में मिलते हैं। अंदाल एक स्थल पर कहती हैं, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिनों तक चले तो उसमें गुह्य और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का ऊपर उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना में भी मधुर्य भाव की थी। मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा।
माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से अभ्यांतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमय योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने सुना होगा कि ये गीत गोविंद के पद गाते गाते मूर्छित हो जाया करते थे। दोस्तों सूरदास जी को अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सूरदास जी की बात अब हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।